वज़ीर-ए-आज़म मुआशरत की बहाली के लिए कोशां। शहबाज शरीफ का इजलास में हंगामी बुनियाद पर लाहे अमल तैयार करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमें मुल्की मुआशरत की बेहतरी का मैंडेट मिला है, यही हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात किए जाएंगे। हुकूमत सरमायाकारी के फरोग और कारोबारी बिरादरी को सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर तरीके से काम करेगी। अच्छे टैक्स पेयर्स की हुकूमती सतह पर पजीराई की जाएगी। रेवन्यू बोर्ड में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुजीर है। सुनी इतिहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। मुतालका विंग को खाली मखसूस नशिस्तें फार्मूले के तहत दीगर जमातों को अलॉट करने का हुक्म। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना का इख्तलाफी नोट। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया, सुनी इतिहाद कौंसिल खवातीन और अकलियती नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। सुनी इतिहाद कौंसिल ने इंतखाबात से पहले खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी, जो इलेक्शन से पहले जमा कराना कानूनी जरूरत है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुनी इतिहाद कौंसिल मरकज में 23 मखसूस सीटों से महरूम। सिंध में 2, खैबर पख्तूनख्वा में 25, पंजाब में 27 मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी। सेनेटर अली जफर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने पहले बल्ले का निशान ले लिया, अब मखसूस नशिस्तें भी नहीं दे रहा। हमारी 23 नशिस्तें बनती हैं, हमारी नशिस्तें दूसरी पार्टियों को दी गई तो आईनी गलती होगी। इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कौमी असेंबली सूबाई असेंबलियाँ मुकम्मल होने तक आईनी नशिस्तों पर इंतखाबात नहीं हो सकता। शफाफ इंतखाबात ना कराने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का भी मुतालबा।